YouTube पे कैसे चैनल बनाया जाता है, YouTube के लिए कैसे वीडियो बनाई जाती है, मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे किया जाता है, उस सब पे हम पहले बात कर चुके हैं। अब बात आती है कि वीडियो को कैसे अपलोड करेंगे। तो वीडियो अपलोड करने से पहले बात आती है कि हम थंबनेल कैसे बनाएंगे, कि थंबनेल जो होता है वीडियो पे व्यूज लाने में काफ़ी अहम रोल निभाता है। सो गाइस, मैं हूँ इंजीनियर राजा और मैं आज आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन से एक HD थंबनेल बनाएंगे। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। स्टोरी पे आपको ढेर सारा ऐसा एप्लीकेशन मिल जाएगा जिससे आप अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले बहुत ही शानदार और बहुत ही परफेक्ट थंबनेल मेकर के बारे में, जिससे आप अपने YouTube वीडियो के लिए बहुत ही शानदार तरीके से आप थंबनेल बना सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी में, फ्री में और विदाउट वाटर मार्क। वह है पिक्सल लैब। ये इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से जाने के बाद आप इस पेज पर आ सकते हैं। थंबनेल में तीन चीज़ों को होना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला है इसका बैकग्राउंड, दूसरा है इमेज और तीसरा होता है टेक्स्ट। पहले हम बात कर लेते हैं इसके बैकग्राउंड के इमेज के बारे में। बैकग्राउंड इमेज के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितना भी जो बैकग्राउंड इमेज है इस पर अप्लाई कीजिएगा तो ये सारे के सारे है आपके बैकग्राउंड में इस तरीके से अप्लाई हो जाता है। यहाँ से देख रहे हैं जितना भी पे आप क्लिक कीजिए, इसमें बहुत है, जितना भी क्लिक कीजिए उस सारे के सारे ये आपके बैकग्राउंड में अप्लाई हो जाता है। या आप चाहते हैं कि हम इसमें से बैकग्राउंड ना लें तो आप सिंपली यहाँ प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और फ्रॉम गैलरी में जाएंगे। फ्रॉम गैलरी में जाने के बाद जहाँ भी आपका जो है बैकग्राउंड इमेज होगा उसको आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या आप गूगल में डालेंगे BG करके तो आपको बहुत सारा वहाँ पर बैकग्राउंड ऑप्शन मिल जाता है। वहाँ पर फिगर आपको बहुत फिगर फोटो और बहुत सारा आपको ऐसा जो है बैकग्राउंड इमेज मिल जाता है, जहाँ से ला के आप इसमें इंसर्ट करके लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डबल वाले क्लिक, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आपको कलर वाला ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर सिंगल कलर आप इसमें से यूज कर सकते हैं, जो भी कलर इसको रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप मेरे बहुत सारे वीडियो में देखे होइएगा कि मैं जो कलर यूज करता हूँ, ज़्यादातर ये कलर यूज करता हूँ, ये कलर में देखे होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही शानदार लगता है, क्योंकि ये आँखों पे इफेक्ट भी नहीं करता है। आपको यहाँ ग्रेडियंट ऑप्शन मिल जाता है, इसमें दो कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जहाँ से दो कलर का आपको इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर देखिए दो कलर है और यहाँ प्लस वाले आइकन पर जाके इस तरीके से आप इसका कलर का भी आप इसमें से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहते हैं। इस तरीके से आप दो कलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आप रख सकते हैं और इसके बाद ओके कीजिएगा, आप यहाँ पर दो कलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आप इसको यूट्यूब साइज में कर लीजिए, यूट्यूब थंबनेल साइज में कर लीजिए। तो इसके करने के लिए यहाँ पर राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ इमेज साइज है, इमेज साइज पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टम है, कस्टम पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है यूट्यूब थंबनेल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते यहाँ पे आपको मिल जाता है 1280 और 720 पिक्सल का, तो आपको इस पर ओके कर देना है। ये आपके यूट्यूब थंबनेल के आकार का हो चुका है। यहाँ देख रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट का है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके इस तरीके से आपको इसको डिलीट कर देना है। जो भी आप इसमें कलर रखना चाहते हैं इस तरीके से आप जाके इसमें से रख सकते हैं, या फ्रॉम गैलरी में जाके भी आप रख सकते हैं। चलिए हम यहाँ जैसे हम दो कलर का कॉम्बिनेशन चाहते हैं, तो इस तरीके से आप दो कलर का कॉम्बिनेशन आप प्लस वाले आइकन पर जाके इस तरीके से जो भी कलर आप बनाना चाहते हैं इस तरीके से दो कलर का कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही परफेक्टली तरीके से आपको ये बन जाएगा। दूसरा है कि आप जो है इसमें पिक कैसे इंसर्ट करेंगे। पिक इंसर्ट करने के लिए प्लस वाले आइकन पर जाएंगे और यहाँ फ्रॉम गैलरी पर जाएंगे और जहाँ भी आपका फ़ोटो होगा या रख रखे होंगे तो वो फ़ोटो को आपको इसमें इंसर्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे फ़ोटो रख रखा हूँ, इसको मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इस तरीके से फ़ोटो को क्लिक कीजिएगा। इसका बैकग्राउंड है आपका बहुत ही शानदार और अच्छी तरीके से आपको जो है क्लियरिटी होना चाहिए, तभी ये आपका जो है आपको जो लगाइएगा उस पर बहुत ही परफेक्टली तरीके से ये लगेगा, नहीं तो बेकार लगेगा। तो इसीलिए अपना जो बैकग्राउंड लगाएगा उसको परफेक्टली तरीके से उसका बैकग्राउंड को इरेज कर लीजिए। मैं इस पर वीडियो बना रखा हूँ कि किस तरीके से आप अपने को भी फ़ोटो का बैकग्राउंड को कैसे हटाएंगे या इरेज करेंगे, उस पर मैं वीडियो बना रखा हूँ। चाहे तो आप वो वीडियो मेरा आप जाके देख सकते हैं।
इस तरीके से आप इस तरीके से लगा लीजिए, या आप अपना फ़ोटो भी इसमें लगा सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो ये देखिए कितना परफेक्ट और कितना शानदार तरीके से ये लग चुका है। तो आपको भी इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप इसका शेडो वगैरह भी दे सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है, फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर देखिए, इस पर जाने के बाद यहाँ पर आपको ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है। तो आप जो भी अप्लाई करना चाहते हैं अपना फ़ोटो में, स्ट्रोक वगैरह अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से आप फ़ोटो में अपना स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो फ़ोटो का जो है व्हाइट है तो उसको आप डार्क रख सकते हैं, अगर आपका फ़ोटो डार्क है तो इस तरीके से आप उसको व्हाइट रख सकते हैं। जैसे मेरा फ़ोटो इस तरीके से डार्क है तो मैं इसको व्हाइट रख लेता हूँ, बहुत ही परफेक्ट लग रहा है, इस तरीके ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको इरेज कर सकते हैं, मास्क है, इरेज कलर का है कर सकते हैं, रोटेट अपने फ़ोटो के इस तरीके से, आप इस तरीके से रोटेट भी कर सकते हैं, जिधर भी रोटेट करना चाहिए इस तरीके से आप रोटेट कर सकते हैं। चलिए मैं इस तरीके से ही रहने देता हूँ, इसको ओके करेंगे। यहाँ पर 3D रोटेट है, इसको 3D रोटेट भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर फ़ोटो कैसे रोटेट हो रहा है, इस तरीके से आप 0° या 90° में इस तरीके से फ़ोटो को आप इस तरीके से घुमा फिरा सकते हैं। तो कितना परफेक्ट लग रहा है, तो इस तरीके से आप अपना फ़ोटो को इस तरीके से घुमा फिरा भी सकते हैं। चलिए मैं इस तरीके से रहने देता हूँ, थोड़ा लुक इसका ज़्यादा अच्छा लगता है, या आप इस तरीके से रख सकते हैं। चलिए मैं सही रहने देता हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ शेडो का ऑप्शन है, इस तरीके से शेडो वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं, जो भी आपको शेडो का कलर अप्लाई करना चाहते हैं इस तरीके से शेडो का कलर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये वाला रहने देता हूँ, ये बहुत ही परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है जो आप अपना जो पिक है उसमें आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन है, आप अपने जो फोटो वगैरह उसका क्रॉप वगैरह भी कर सकते हैं यहाँ से जाके। इसके बाद इसमें ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट लिखने का, तो टेक्स्ट लिखने के लिए यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वाला जो ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से आप इसमें कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। यहाँ टेक्स्ट वाला ओके करेंगे, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल से, तो पहले मैं यहाँ पर एडिट पहले ओके करूँगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ मोबाइल से। आपको हिंदी में लिखने के लिए आप जो है प्ले स्टोर से गूगल इनपुट टूल का डाउनलोड कर लेंगे, या आपको बहुत सारा ऐसा जो है आपका प्ले स्टोर पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा जिससे आप हिंदी इंग्लिश वाला टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पर है, मैं इसको हिंदी में यूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मोबाइल से। तो इस तरीके से यहाँ देखिए मोबाइल से मैं लिख दिया, यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद देखिए ये अप्लाई हो चुका है। इस तरीके से मैं इसको बढ़ा घटा सकता हूँ, इस तरीके से आपको सही से करना है, इस तरीके से घटा बढ़ा सकते हैं पकड़ के। इस तरीके से आपको यहाँ पर भी ढेर सारा ऑप्शन मिल जाता है टेक्स्ट लिखने के लिए, तो यहाँ पर टेक्स्ट का कलर वगैरह भी चेंज कर सकते, तो यहाँ से आप इसका कोई कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ढेर सारा कलर मिल जाता है, जो भी कलर आप क्लिक कीजिएगा वो अप्लाई इस तरीके से देखिए यहाँ पर हो रहा है, जिस पर क्लिक कीजिएगा वो अप्लाई हो जाएगा। ग्रेडियंट में कीजिएगा तो इसमें आपको दो कलर का कॉम्बिनेशन इस तरीके से आपको मिल जाता है, दो कलर यहाँ पर आपका है एडजस्ट हो जाएगा, तो आप यहाँ दो कलर भी डाल सकते हैं। चलिए मैं ये रहने देता हूँ मोबाइल से, या आप सिंगल कलर भी इसको यूज कर सकते हैं, मैं यहाँ डबल ही रहने देता हूँ, थोड़ा परफेक्ट लग रहा है। इसके बाद ओके करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके इस साइड में आइए, यहाँ फ्रंट का ऑप्शन है, फ्रंट वाले जाके यहाँ पे जो अपना फ्रंट चेंज कर सकते हैं। यहाँ हिंदी में है तो आपका हिंदी में नहीं होगा फ्रंट चेंज, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इसका इंग्लिश में आपका फ्रंट चेंज इसमें से आप जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आपका इंग्लिश में हो जाएगा। बोल्ड करने के लिए यहाँ बोल्ड पर क्लिक करेंगे, यहाँ बोल्ड इसको कर देंगे, देखिए बोल्ड हो गया, इटैलिक कर लेंगे, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। चलिए मैं सिंपली यहाँ पर बोल्ड वाले पर क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ और यहाँ से सिंपली बोल्ड वाले पर क्लिक करके बोल्ड ही रहने देता हूँ। सो इस तरीके से मैं बोल्ड ही रहने देता हूँ, इसको ओके करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप बैकग्राउंड में इसको कुछ रखना चाहते हैं इस तरीके से, तो बैकग्राउंड में आपका आ जाएगा। यहाँ पर देख रहे ढेर सारा आपको बैकग्राउंड है, अगर इसके नीचे में कोई बैकग्राउंड देना चाहते हैं तो यहाँ बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। यहाँ बहुत ही परफेक्टली तरीके से आपका बैकग्राउंड इसमें आ जाता है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा, यहाँ देखिए राइट साइड लेफ्ट साइड वाला ऑप्शन है, इस तरीके से राइट साइड लेफ्ट साइड में इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ टॉप का भी कट सकते हैं, टॉप का कट रहा है, इस तरीके से आप टॉप काट सकते हैं, बॉटम काट सकते हैं, या इसको इस तरीके से आप थोड़ा लुक दे सकते हैं, यहाँ चारों साइड में कोने पर कट चुका है। तो ये होता है आपका बैकग्राउंड का जो है, अब बैकग्राउंड का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम बैकग्राउंड नहीं देना है इसलिए हम यहाँ इसको इनेबल कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसका कर्व वगैरह आप इसमें कर्व देना चाहते हैं तो इस तरीके से इसमें कर्व दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा लुक लगेगा। अगर देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो सिंपली मैं यहीं से ही रहने देता हूँ। इसके बाद यहाँ मास्क का ऑप्शन है, रोटेट का ऑप्शन है, इसमें और भी सारा बहुत सारा ऑप्शन है जो आप इसको 10-15 मिनट टाइम दीजिएगा तो आप अच्छी तरीके से इसको सीख जाइएगा। इसके बाद मैं इसमें और कुछ और टाइपिंग कर देता हूँ, जैसे मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं, तो मैं यहाँ से दूसरा टाइपिंग कर देता हूँ। टेक्स्ट पर जाएंगे और टेक्स्ट पर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थंबनेल। तो इस तरीके से आपको थंबनेल लिख देना है,
देखिए थंबनेल आ चुका है, इस तरीके से ओके कर देना है। इस तरीके से आप रोल लिखने के बाद इस तरीके से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, तो आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, इस तरीके से आप वो ही बोल्ड कर देंगे। और मैं इसका इस बार कलर कुछ और चेंज कर देता हूँ, तो इस तरीके से आप इसका कलर, जैसे यहाँ पर देखिए मैं इसका कलर व्हाइट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ व्हाइट करने के बाद इसके मैं कुछ शेडो कर दे देता हूँ। शेडो देने के लिए स्क्रॉल डाउन करके खींच चाहिए, यहाँ आप कुछ स्ट्रोक भी दे सकते हैं। इस तरीके से स्ट्रोक को इनेबल कर देंगे, स्ट्रोक जो भी देना चाहते हैं इस तरीके से आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर शेडो दे सकते हैं अपने, इसमें जो भी शेडो देना चाहते हैं इस तरीके से शेडो दे सकते हैं। देखिए शेडो आ चुका है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद में अब आ जाता है ऑप्शन कि मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाएं। आप कैसे बनाएं के लिए आप यहाँ टेक्स्ट पर जाएंगे और एडिट पर जाएंगे और यहाँ से इसको लिख देंगे कैसे। देखिए मैं लिख दिया मोबाइल से थंबनेल कैसे बनाए, इस तरीके से आपको भी लिख देना है। इस तरीके से इसको बड़ा कर लेंगे, इस तरीके से घसा लीजिएगा आगे पीछे करके। यहाँ कोई कलर आप इसमें से चूज कर सकते हैं, जाके ब्लैक कर सकते हैं, वाइट, या बहुत सारा इसमें कलर है, इसमें भरभर के कलर दिया गया है। जो भी आपको कलर अच्छा लगे वो कलर को आप इसको यूज़ कर लीजिए। चलिए मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, स्टाइल पर जाएंगे। स्टाइल पर जाने के बाद इसको मैं इस तरीके से बोल्ड कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ फ्रंट वगैरह मैं बता दिया हूँ कि आप इसको इंग्लिश में लगाएगा तो वो फ्रंट चेंज हो जाएगा, अगर हिंदी में है तो ये फिर नहीं हो पाएगा। इसके बाद इसमें स्ट्रोक वगैरह देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, शेडो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, इस तरीके से इनेबल कर दीजिएगा। शेडो का कलर भी इसमें से चूंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ स्ट्रोक है कलर, स्ट्रोक वगैरह का कलर इस तरीके से चूज कर सकते हैं। शेडो है इस तरीके से आप कर सकते हैं, शेडो स्ट्रोक शेडो जो भी आप देना चाहते हैं इसमें से आप दे सकते हैं। इसमें इनर शेडो का भी इसको यूज कर सकते हैं, अंदर का जो शेडो है इस तरीके से इसका अंदर के शेडो का यूज हो जाएगा। इनर माने अंदर होता है। इसमें अब और सारा ऑप्शन है, यहाँ पे 3D है, 3D रिटोट है, 3D शेडो है, तो बहुत सारा है जो आप इसमें अपने अनुसार इसको देख लीजिएगा। मैं सिंपली बताना चाहता हूँ कि आप मोबाइल पे थंबनेल कैसे बनाएंगे। वैसे आपका जो भी प्रोजेक्ट है, आप जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं, जो भी चीज़ पे आप वीडियो बना रहे हैं, उस हिसाब से आप जो है वीडियो थंबनेल बनाएंगे। मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल फ़ोन पे आप थंबनेल बनाएंगे। प्लीज सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पे जो है अपना मोबाइल यूट्यूब वीडियो के लिए आप यहाँ पे जो है थंबनेल बनाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ऑप्शन मिल जाता है रिफरेंस का, रिफरेंस पाने के यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे इसको इनेबल कीजिएगा। इनेबल करने के बाद यहाँ पे देखिए कि इसका उल्टा साइड में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आगे पीछे कर सकते हैं, तो इसके नीचे जो है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो वर्टिकल इनेबल इस तरीके से आ जाता है, तो इस तरीके से इसको ऐसे रहने दीजिए, थोड़ा अच्छा लुक लगता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से आप इसको, तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल पे है ना थंबनेल बना सकते हैं, जो बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही शानदार यहाँ पे लग रहा है जो आप देख रहे हैं लुक। अब जैसे कि आपका ये बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपका जो है थंबनेल बन चुका है, अगर इसमें कोई मिस्टेक हो जाता है तो आपको इसका एक स्टेप आगे जाने के लिए आप यहाँ अंडर रिड्यू का ऑप्शन है, इस तरीके से अंडर रिड्यू कीजिएगा तो आप इसको एक स्टेप आगे चलेगा, इस तरीके से देखिए एक स्टेप आगे चल जाएगा। तो आपको जो भी मिस्टेक हो जाता है या डबल कोई क्लिक हो जाता है या गड़बड़ हो जाता है तो इसको अंडर रिड्यू यहाँ से अंडू कर सकते हैं एक स्टेप आगे जाके। अब जैसे कि ये यहाँ पे मेरा जो थंबनेल है बन के रेडी हो चुका है, अब इसमें मैं अपने चैनल का लोगो लगाना चाहता हूँ, तो प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और जहाँ भी आपका लोगो रखे हैं लोगो को आप क्या करना है आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना। इसलिए मैं गैलरी में जाऊंगा और गैलरी में जाने के बाद मेरा यहाँ पे लोगो है, मैं लोगो को इस तरीके से सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे राइट का निशान इस पर क्लिक करके यहाँ देखिए मेरा लोगो आ चुका है। इस तरीके से आपको लोगो को छोटा बड़ा करके जिधर भी रखना चाहते हैं इस तरीके से आप लोगो को छोटा बड़ा करके इस तरीके से आप लोगो को रख सकते हैं। चलिए मैं लोगो को यहाँ पे छोटा करके इस तरीके से यहाँ पे इसको फिट कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको भी इस तरीके से अपने लोगो को लगा लेना। देखिए कितना परफेक्ट और कितना शानदार ये लग रहा है। तो इसी तरीके से आपको जो अपने मोबाइल से थंबनेल बना लेना है, जो HD क्वालिटी में यहाँ पिक्सल लैब से विदाउट वाटर मार्क है आपका थंबनेल बनके तैयार हो जाता है। और इसको सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर में राइट का निशान है आइकन बना हुआ है, यहाँ सेव ए इमेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है JPG, और यहाँ पे आपका PNG का ऑप्शन आ जाता है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मेट आपको PNG चूज कर लेना है, क्योंकि ये HD क्वालिटी में आपका जो थंबनेल है वह सेव होगा। और यहाँ पे आपको डेस्टिनेशन यहाँ पे आपको पहले से ही
यूट्यूब सर्च कर रखे हैं 1280 और 720, तो आपको यही रहने देना है। इसके बाद आपको करना क्या है, सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। तो ये जो है आपका थंबनेल आपके जो गैलरी में सेव हो गया, यहाँ देखिए सेव इमेज, इस तरीके से आपका जो है आपको गैलरी में जाके सेव हो चुका है। चलिए मैं आपको अपने जो गैलरी में जाके यहाँ से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जो थंबनेल सेव किया हूँ ये वो यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि ये HD क्वालिटी में थंबनेल बन चुका है और विदाउट वाटरमार्क। तो आप भी पिक्सल लैब से बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही शानदार तरीके से HD क्वालिटी में विदाउट वाटरमार्क आप अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने YouTube वीडियो के लिए थंबनेल बना सकते हैं और आप उसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस इसी तरीके से आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से आप पिक्सल लैब से अपने प्रोजेक्ट के लिए थंबनेल बना सकते हैं, वो भी HD क्वालिटी में विदाउट वाटरमार्क। तो गाइस अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके का नया नया वीडियो मैं पर डे अपलोड करते रहता हूँ। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम मोबाइल फ़ोन से थंबनेल बनाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।